क्या माहौल लगेगा, मोदी आएगा माहौल क्या, पूरे देश में मोदी आएगा, पूरे देश में मोदी, पूरे देश में क्यों भैया यहाँ 7 सीटों को लेकर वोटिंग। विदेशों में जाओ देखो मोदी क्या नाम चल रहा है, डंका बज रहा है। गए हो आप कभी दुबई में, ईरान गए हो, इराक गए हो? हम आ गया, मोदी का डंका बज रहा है। आप विदेश में रहकर आए? जी हाँ। तो कितना डंका बज रहा है? बिल्कुल उसका नाम को अब इंडिया वालों का नाम होता है उसके नाम पर, बीजेपी बीजेपी। वो हमारा का है बेटा, वो 54 करोड़ के मकान में रह रहा है अगला, हमारा का है बेटा, हम झुग्गी में रह रहे हैं, हमें भी तो मकान देता वो। डर गए केजरीवाल? नहीं डर, कौन किससे डरता है, ये शाम को ये सारे नेता इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। मोदी बनेंगे और मोदी जी क्यों चाहिए भैया? आप जय श्री राम है ना, प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, मोदी जी है। देश की राजधानी दिल्ली में कल 7 सीटों को लेकर वोटिंग होने वाली है, और आपके लिए बता दें कि इस समय पर मैं खड़ी हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में, और यहाँ तमाम हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि आखिरकार कल जो है वो किसके नाम पर मोहर लगने वाली है, और जनता एक बार फिर से किसे प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, इसीलिए दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है? राजबाद नाम। क्या बता, क्या माहौल लग रहा था जी इस बार? क्या माहौल लगेगा, मोदी आएगा माहौल क्या, पूरे देश में मोदी आएगा, पूरे देश में मोदी, पूरे देश में क्यों भैया यहाँ 7 सीटों को लेकर वोटिंग। विदेशों में जाओ देखो मोदी क्या नाम चल रहा है, डंका बज रहा है। गए हो आप कभी दुबई में, ईरान गए हो, इराक गए हो? हम आ गया, मोदी का डंका बज रहा है। आप विदेश में रहकर आए? जी हाँ। तो कितना डंका बज रहा है? बिल्कुल उसका नाम को अब इंडिया वालों का नाम होता है उसके नाम पर, कि भाई इंडियन है, इंडियन है, कोई भी एक लेबर को भी कहते हैं। आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल से तो डर गए मोदी जी? केजरीवाल भी आना चाहिए, एक पर शराबियों के एक पे एक फ्री देगा, उसमें भी घोटाला। ठीका वाले कहेंगे अभी एक ही मिला, अभी एक ही मिला, 2 मिनट के बाद कहेंगे दो मिला, उसमें भी आदमी घोटाला। तो केजरीवाल तो दिल्ली के लिए सही है, देश के लिए नहीं, मतलब शराबियों के लिए, शराबियों के लिए बस जाइए। बताइए सर, दिल्ली में कल वोटिंग होने वाली है 7 सीटों को लेकर, तो दिल्ली की जनता को मोदी पर इतना भरोसा क्यों, केजरीवाल पे भरोसा? मोदी साफ पाक है, इसलिए उस पर भरोसा है, पकड़ा गया तो इसलिए उस पर भरोसा नहीं है, पकड़ा गया। वो कहते हैं मोदी जी ने जानबूझ के जेल में डाल दिया। मोदी के बाप का है ये ईडी सीबीआई, वो भी तो कोई संस्था है, अलग है, तो वो सीबीआई पकड़ रही है, ईडी पकड़ रही है, मोदी को उसमें क्या रोल भाई, ये तो एक बहाना बनाना है और कुछ नहीं है। तो कह रहे थे हम दिल्ली को विदेश बना रहे हैं लंदन पेरिस, इसलिए मोदी रोक रहे हैं। खूब बना रहे हैं लंदन, देख रहा हूँ हम लोग लंदन बना रहे हैं। पीछे देखो कैसा पड़ा हुआ पार्क, बस ऐसा ही रहेगा। सिटी वाले यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे? सही रहेगा ऐसा ही, देखो सारे हैं शराबिया जुआड़ी हैं यहाँ, ये केजरीवाल का राज है। यूपी में बैठ लें ऐसे जोगी के यहाँ बैठ ले, देखें कुछ नहीं होगा यहाँ। तो सीटों पर किसका कब्जा? इसी का, भाजपा का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन क्या हुआ, ये ठगबंधन गठबंधन नहीं है, चाहिए पार्टी के लोग कह रहे हैं तानाशाही का अंत करेंगे मोदी की। ताना किस बात का है, सबको समान देख रहा, ताना किस बात का है, 5 किलो अनाज अनाज लोग चिल्ला रहे दे रहा, तो 140 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो दें, अभी 50 आदमी हमें देना पड़ा तो हम दे लेंगे, वो तो पूरे देश को दे रहा है, पूरे देश को, आप नहीं पाते हो गया 5 किलो कहते हैं, 5 किलो राशन पर लोग बिक गए, हम बिके थोड़ी ना, 5 किलो राशन दे रहे हैं ठीक है, 140 करोड़ जनता को देना बहुत भारी पड़ता है, पहले क्यों नहीं देते थे? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं 10 किलो देंगे भैया हमें, हाँ वो दे देंगे, वो भी हो सकता है, अभी 70 साल राज किया वो क्यों नहीं देंगे, 70 राज किया उन्होंने क्यों नहीं, वो तो जरूर देंगे। वो तो तमाम जो लोग हैं बुजुर्ग यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सभी से हम एक एक करके बात भी करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन सिंह। ताऊ जी ये बताइए कल वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, क्या माहौल है? बीजेपी 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 इतना क्यों लग रही है? है हमारे लिए है तो है जी, लग क्यों रही है? आपके बेटे केजरीवाल को जेल में डाल दिया मोदी जी ने। वो हमारा का है क्या बेटा, वो 54 करोड़ के मकान में रह रहा है अगला, हमारा का है क्या बेटा, हम झुग्गी में रह रहे हैं, हमें भी तो मकान देता वो। वो तो कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे, वो पहले कहता था शीला दीक्षित महल में रहती है, वो खुद महल में रह रहा है, काएगा हमारा बेटा, कट्टर ईमानदार है, ठीक है ईमानदार होगा अपने लिए जी, क्या समझे, हमारे लिए तो मोदी है और रहेगा। मोदी जी डर गए केजरीवाल? नहीं डर, कौन किससे डरता है, ये शाम को ये सारे नेता इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, हाँ ये सारे नेताओं की कहानी है। दिल्ली का विकास रोक दिया मोदी जी ने केजरीवाल, हुआ क्या है? सिर्फ वो है 40,000 का मोबाइल लेडीज ले जा रही है और बस में फ्री जा रही है, ये है केजरीवाल की कहानी। सही है जी, सही बस बता दिया, इतना भरोसा है। 7 सीट है दिल्ली में, क्या 7 सीट है? 7ों मोदी की है, हाँ 7ों पीएम केयर फंड का ऑडिट कराता ना, 7ों के साथ। क्या कह रहे हैं बिहार से, किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? मोदी बनेंगे। और मोदी जी क्यों चाहिए भैया?
आप जय श्री राम है ना मोदी जी है। जय श्री राम और मोदी जी। जय श्री राम वाले मोदी जी को भरोसा क्यों कर रहे हैं? काम करता है और क्या। अब मेरे बिहार में मकान नहीं था, मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, बिजली दे दिया, शौचालय दे दिया, तो अब क्या करे? अब क्या देगा वो? मुर्गा चावल देगा थोड़ी खाने के लिए, वो तो रहने के लिए तो देगा, मेहनत करना मेरे को, रहने के लिए बना दिया। सही बात है, भरोसा है, भरोसा है मोदी पर, भरोसा है एकदम। क्या नाम है सर? प्रधानमंत्री कैसे देख? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे और बाकी सीटों में एयरफेयर हो सकता है, उसकी बात तो अलग की है, और प्रधानमंत्री तो मोदी को ही बनना ही चाहिए, और सीटें तो एक दो इधर उधर हो सकती हैं, बस यही है, हो सकता है, और बाकी जैसे जनता किसको वोट देती है, किस पे निर्भर होती है, वो तो जनता पे है, और दूसरों को वोट तो उसी को देना चाहिए जो विकास करे और सही रास्ते पे सरकार काम करे, उसको अन्य को ऐसे को देने से वोट अपना ख़राब कर लेना है। तो कुल मिला के यही है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और सीटों में एयरफेयर हो सकता है बस। पहले के मुकाबले सीटें कम हो सकती हैं पर भाई? पहले से सीटें कम हो सकती हैं, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी। कल दिल्ली में वोटिंग है, भरोसा किस पर? भरोसा केजरीवाल, केजरीवाल सर, केजरीवाल जीते हैं, कोई मतलब नहीं है, वोट हमारा उसी को जाएगा। हाँ। बात खत्म, सीधी बात एक ही है, मैं तो जानता हूँ 28 दिन हमारे पहले 30 दिन थे मोबाइल में, 28 दिन क्यों कर दिए? इतनी करोड़ों अरबों की हमारी आबादी है, अगर दो दिन कम करोगे तो कितना पैसा जाता है? सिर्फ जियो ने नहीं किया ना, एयरटेल वेटेल सब ने किया है। तो पैसा जब जा रहा है तो कहाँ जा रहा है वो? दो दिन कहाँ जा रहे हैं मैडम, ये भी तो सोचो आप। डेटा महंगा आता था सर 2014 से पहले। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम जी ये बताइए कल दिल्ली में वोटिंग है, क्या माहौल लग रहा है? हमें तो केजरीवाल ही लग रहा है, हर जगह केजरीवाल छा रहा है, वो दिल्ली में देखता भी है, गरीबों को भी देखता है, बिजली पानी और तुम्हारा स्कूल वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, अस्पताल वगैरह। तो फ्री भी इसका मुद्दा रहने वाला? नहीं, हमें इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें तो केजरीवाल है बस। कुछ लोगों का ये है कि जिस तरीके से चीज़ें जो है वो फ्री दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए जो है, क्या नाम है आपका? इतना नहीं आता मेरे को, बस ये बताइए क्या नाम? संजय। संजय जी ये बताइए आप किसे प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? मोदी जी है। और मोदी जी क्यों? अरे मैडम अब इतना बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इतना मुझे बताइए, हमारे पास टाइम है। मोदी जी के चार काम गिना दीजिए। अरे यार चार काम, मुद्दा चार काम का नहीं है, मुद्दा कुछ और है, वो जो है इलेक्शन के बाद हो ही पता ही चल जाएगा क्या मुद्दा है, सबको मालूम है। अरे इतना भरोसा आपको दिल्ली के है, आपको मोदी पर क्यों है? मोदी पे मैडम ये ना सीट की राजनीति चल रही है, कुछ ये राजनीति मैडम बहुत कुछ अलग है इसके अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता। तो कह दिया कि बहुत कुछ अलग है, पर इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे।